अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सदवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। लोग पूछ रहे हैं ये क्या है जी, तो ये है फ़िश इन बनाना लीव्स के का प्रेपरेशन। ठीक है, ये बनाना लीफ है, केले का पत्ता आपको मिल जाता है हर जगह, हमारे तो घर में है। ट्री नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप फॉइल में भी रैप करके कर सकते हैं, सो वील डू दैट लेटर ऑन। बहुत मज़े का एक हम थाई सॉस बनाएंगे, उसको हम लगाएंगे ऑन आर फिश और फिर इसके ऊपर रैप करके, या आप चूल्हे पे बनाएं, स्टीमर में बनाएं, अवन में बनाएं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, पहले हम बनाएंगे आज बहुत ही सिंपल से इजी चॉकलेट क्रोसॉन। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स हैं, एक अदद अंडा है और पफ पेस्ट्री है, पफ पेस्ट्री मैं ला के फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर मैंने क्या किया, जब वो ब्लॉक होता है तो उसको उस वक्त ऐसे करके बेलिएगा नहीं, मक्खन साइडों से बाहर निकल आएगा, तो उस वक्त आप ला के इस तरह उसके ब्लॉक को इस तरह वो प्रेस डाउन करिएगा, फिर बेलिएगा। और बेल के आपने एक स्क्वायर सा बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, ये इसको हम बीच में से काटेंगे और फिर इसके साइज़ को हम इवन आउट करेंगे और फिर आपको क्रोसॉन कैसे बनाते हैं दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल वाला। जस्ट रोल अप विथ समथिंग इन इट विच इज़ द चॉकलेट चिप्स या चॉकलेट का एक अदर टुकड़ा, एंड दैट्स इट। बेक करने रख दीजिएगा अंडा लगा के, और गर्मा गर्म चॉकलेट वाले क्रोसॉन आपके रेडी हो जाएंगे। दैट इज़ ओनली इफ़ यू हैव पफ पेस्ट्री, वरना क्रोसॉन का अपना डो बनता है, वो किसी दिन आपको बनाना हम सिखाएंगे, सही है। सो इसको ज़रा हम बीच में से आधा कर देते हैं, और यहाँ से भी हम इसके एजेस नीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। आज हमारे पास डिलक्स केटल है इनिक्स की तरफ से, अगर आपको जीतना है तो आप मुझे क्या बताएंगे, क्या पूछें, आज मछली से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल येट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आप इसको काटेंगे कैसे। ये आपने स्क्वायर या रेक्टेंगल बना के रख दिया, ठीक है, बहुत सिंपल है, देखिएगा मगर गौर से, इस तरह। बनाइएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। ये आपके इजी वाले चॉकलेट क्रोसॉन, कुछ भी अंदर डाल सकते हैं, चीज़ का एक टुकड़ा भी डाल सकते हैं, एनीथिंग यू वांट, ओके। अब इसको फेंकिएगा नहीं, जो बिट्स एंड पीसेस होते हैं पफ पेस्ट्री के, पता है आपको मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ऐसे चॉप अप कर देती हूँ, उसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी और दालचीनी डाल के थोड़ा सा मक्खन ड्रिजल करके अवन में रख देती हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार से सिनेमन पफ्स हो जाते हैं आपके। तो ये इसको फेंकिएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट डू यू नीड टू डू, यू नीड अ ट्रे जिसमें मैंने सिलिकॉन का शीट रखा हुआ है, इस पर बहुत सारी बेकिंग मैं कर लेती हूँ, आसानी से साफ़ भी रहती हैं आपकी ट्रेज, हर चीज़ इसमें चिपकती भी नहीं है। नाउ दिस इज़ नॉट गुड, ये क्या हुआ, इसको ऐसे करते हैं। अच्छा जी, अब इतने सारे ये हो गए, अब आपने क्या करना है, रोल करना है, ऑल यू नीड टू डू इज़ रोल देम। ये चॉकलेट चिप्स आपने लिए, थोड़े थोड़े रखिएगा बीच में, ठीक है, नज़र आ रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू रोल देम, ये पार्ट ऐसे करके आपको नीचे रखना है, ठीक है। आप इसको ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, छोटे छोटे आपके मिनी क्रोसॉन हो जाएंगे, ठीक है। अंडा लगाना है हमने इसके ऊपर, ये आसान वाला तरीका है, ठीक है, शॉर्टकट चीटिंग वाला, कि आपने पफ पेस्ट्री से कर लिया, वैसे पफ पेस्ट्री से नहीं बनते हैं, ये भी मैं बताती चलूं।
ठीक है। क्या जी, ब्रेक की तरफ चलना है? अच्छा, मैं इनको रोल करके रखती हूँ और ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें, ये मैंने रोल कर दिए हैं, अंदर चॉकलेट चिप्स भर दिए हैं और अंडे के साथ ब्रश कर दिए हैं और इसको मैं रख देती हूँ अवन में बेक होने के लिए। ठीक है, दूसरी ट्रे आपके सामने अभी बनाते हैं। चले, थोड़े से चॉकलेट चिप्स लिए आपने, एक चॉकलेट का चंक ले सकते हैं आप, चीज़ का टुकड़ा रख सकते हैं इसके बीच में, जैम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और फिर एंड पे आप थोड़ा सा अंडा लगा दीजिएगा, इसको आप ऐसे टर्न कर दीजिएगा। इसको आप ऐसे छोटे मिनी क्रोसॉन्स ऐसे भी दबा के कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। कॉलर है कोई? जी हेलो। हेलो। हेलो जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हो। थैंक यू सो मच। और दूसरे ये कि रेसिपी भी आसान बनाती हो, बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, आप लोग ट्राई कर सकें इसलिए ऐसे बनाते हैं। जी मैं ट्राई करती हूँ और काफी अच्छी बनती है। थैंक यू सो मच। हाँ, और आपके सवाल का जवाब दूँ? जी जरूर। आपने बनाई थी स्पाइसी फिश बैक किया था? क्या जी? स्पाइसी फिश बैक की थी। ओके ओके ओके। और उसके बाद है फिश रस बनाया था आपने? ठीक है। फिश करी बनाई थी? जी। और उसके अलावा कोकोनट फिश भी बनाई थी आपने? ठीक है, थैंक यू। आप फिश पकौड़ा भी बनाया था, फिश बिरयानी है और उसके अलावा फिश के समोसे हैं और फिश का बर्गर है। जी जी, बस नोट कर दिया है, बहुत सारे जवाब दे दिए आपने तो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़े भी बना सकते हैं, मैंने ज़रा छोटे बनाए कल के पहलवान बर्गर्स के बाद, तो मैंने सोचा कि ज़रा आज छोटे मिनी क्रोसॉन बना देते हैं। अच्छा जी, अब अच्छी तरह मेक श्योर कि ये पार्ट नीचे हो, ठीक है, इसको नीचे रखना है वरना ये खुल जाएगा बेकिंग के टाइम पे। और आपको इसको अंडे के साथ ब्रश करना है, अंडे के साथ एक चमचा पानी भी डाल सकते हैं, एग वॉश भी, प्लेन एग भी, सिर्फ योक भी, डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा सा रंग आएगा और इसको हम बेक होने के लिए रख देते हैं। फिश आप स्टीमर में भी कर सकते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं कि केले के पत्तों को प्रिपेयर कैसे करते हैं। मछली से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम बताइए ताकि एनिक्स का आप गिफ्ट जीत सकें। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जी कराची से नसरीन है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो हेलो, फिश का बताना है ना, फिश और फिश के कबाब जी, और फिश के सीख कबाब, ठीक है, सादे कबाब यानी, और ये सारे हैं, फिश बर्गर, फिश कबाब। ओके ठीक है, ओके ओके जी, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू थैंक यू। केले के पत्तों को आपने अच्छी तरह पहले तो धोना है, ठीक है, धोइएगा, साफ करिएगा। काटना कैसे है, इसकी जो बड़ी है थिक स्टेम है ना, ये थिक स्टेम जो है इसका कोई काम नहीं है, इसको हमें काट लेना है। ओके, सो I'll show you how it's done.
इस पे तो हम खाना भी खाते हैं, शादियाँ हों वगैरह उसमें खाना भी इसी पे सर्व होता है. डिस्पोजेबल, वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट, यू डोंट नीड एनी प्लेट्स वगैरह. ओके, नाउ इसको ऐसे नहीं रैप करेंगे, आपको इसको सिंच करना है, यानी कि चूल्हे पे डायरेक्टली आपने उसको थोड़ा सा गर्म करना है, जलाना नहीं है. इसको फेंक दीजिएगा, इसका कोई काम नहीं है. ठीक है, अच्छा अब धोइएगा, सुखाइएगा, फिर आप उसके पीसेस करिएगा अकॉर्डिंग टू योर फिश पीसेस. जितने मोटे फिश के टुकड़े होंगे उतने ही आपको चाहिए कि थोड़े बड़े हों ये एकदम से, यू नो यू नीड टू रैप देम ना. ठीक है, ये हो गया, ये बिग इनफ है. अच्छा, इसी में हम लोग, मैंने बनाया भी है पहले शो पे, हरी चटनी का मसाला लगा के मछली को मैरिनेट करके हम उसमें रख के यू नो फ्राई भी करते हैं, बेक भी करते हैं. मैं स्टीमर में बनाती हूँ ताकि वो स्टीम्ड पातरानी मच्छी हम बनाते हैं ना फारसी, वो इसी में बनाते हैं. नहीं हो फॉइल में बना दीजिएगा, बट व्हाट टू डू, जो है वो इसी में कर रहे हैं. आज हम थाई फिश कर रहे हैं. ठीक है, नाउ आई जस्ट शो यू हाउ दिस इज़ डन. सिंच करना बहुत ज़रूरी है. इसको हम यहाँ रख देते हैं. इसकी खुशबू आने लग गई है. ओके, चंद मिनट में ही बेक हो जाएंगे हम. पफ पेस्ट्री को ज़्यादा नहीं रखिएगा, इसको आपने हल्का सा सेकना है. ठीक है, हल्का सा सेकिएगा, डोंट बर्न द लीव्स, ताकि आराम से आप इसको इसके अंदर मछली को रख सकें. ये करते जाइएगा, देखा आपने थोड़ा सा ये विल्ट हो गया ना, इस तरह आपने करना है. आंच थोड़ी सी मैं लो करती हूँ तो ये बंद हो जाता है चूल्हा. लो फ्लेम पे करिएगा, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है. मैं इसको सिंच करके रखती हूँ, फिर हम एक मसाला बनाएंगे ब्लेंडर में. वो ब्लेंडर में मसाला जो होगा वो हम मछली पे लगाएंगे, और फिर या अवन में रखें या स्टीमर पे रखें, जो भी. सो आप लीजिए ब्रेक, और आप देखते रहिए हमारा चैनल, और आप बहुत सारे SMS कर दीजिए 8881 पे अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से रिलैक्स केटल, और हमें बताइए मछली से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम. मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. लेते हैं ब्रेक. जी वेलकम बैक. देखें छोटे छोटे मिनी हमारे चॉकलेट के क्रोसॉन रेडी भी हो गए. ठीक है, बाइट साइज मैंने छोटे बनाए हैं. आई डिडंट वांट देम टू बिकम पहलवान क्रोसॉन्स लाइक यस्टरडेज पहलवान बर्गर्स. सो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं. पफ पेस्ट्री आपके पास घर में हो, बहुत सारे लोग फ्रोजन पफ पेस्ट्री खरीद के लेके आ जाते हैं, रख लेते हैं, फिर पता नहीं होता है क्या करें, तो ये गर्मा गर्म आपको क्रोसॉन मिल जाएंगे नाश्ते के लिए रेडी, चाय के लिए साथ रेडी. ठीक है, अंडा ज़रूर लगाइएगा, और इसको ये रख लिया हमने यहाँ. अब मैं इसको पीछे यहाँ रख देती हूँ ताकि ये ठंडे भी हो जाएं, और फिर हम आपको प्लेटर पे रख के दिखा देंगे. तब तक हम आ जाते हैं अपनी मछली की रेसिपी के तरफ. अच्छा, अब हमें जो सॉस हम बनाएंगे वो मैरिनेशन में भी जाएगा. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ आई नीड टू शो यू अ फ्यू थाई चीज़ें जो हैं हमारे पास. ये देखें, ये लाल वाली मिर्चें हैं, ये लाल फ्रेश रेड चिलीज, वेरी स्पाइसी. ठीक है, आप इसका स्पाइस लेवल कम कर सकते हैं बीज निकाल के. ये है गलैंगल, ये थाई अदरक टाइप होता है. प्लीज़ इसको हड्डी नहीं समझिएगा, बहुत सारे लोग समझ रहे थे मैं आज हड्डी लेके आई हूँ. हड्डी नहीं है ये, गलैंगल है. और ये कैफिर लाइम लीफ है, ये पत्ते होते हैं नींबू के. ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं जहाँ थाई चीज़ों
कि जहाँ थाए या वेजिटेबल्स वगैरह मिलती हैं ना, वहाँ ये आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा चॉप अप करके सब कुछ एक साथ ही आपने डाल देना है इन योर ब्लेंडर, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ नाइस एंड स्पाइसी। अगर आपको इसका स्पाइस लेवल कम करना है तो ऑब्वियसली आप फिर कम लाल मिर्चें डालेंगे। अच्छा, मैं अगर ये नहीं मिले आपको, अदरक डाल दीजिएगा। अदरक है, लहसुन है, मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज़ें हैं। प्याज है, अदरक लहसुन है, गलैंगल भी मैं लेके आई हूँ, वो भी थोड़ा सा डालेंगे, और ज़ीरा पाउडर है। बैजल के पत्ते नहीं मिले तो बैजल आप ले सकते हैं सूखा वाला, ठीक है। फिश सॉस है और कोकोनट मिल्क पाउडर है जिसको हम पानी में घोलेंगे, और वरना आप आधा टिन इस्तेमाल करिएगा। ये कैफिर लाइम लीव्स चले गए, लाल मिर्च हम डाल चुके हैं, लाल मिर्चों का पाउडर है, चिली सॉस है और थाई स्वीट चिली सॉस है और लेमन जूस है। ये सारी चीज़ें जाएंगी इन योर ब्लेंडर, दैट्स इट। मैं ब्लेंडर ही इधर ले आती हूँ। सब कुछ एक दफ़ा डाल देते हैं और फिर ब्लेंड कर देते हैं, आधा निकाल देंगे, आधा जो है वो सॉस ऑन द साइड सर्व करेंगे। देखिए, अगर आपने मछली में, कच्ची कोई भी चीज़ में सारा सॉस डाल दिया, फिर आपने मछली को पका दिया और वो सॉस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक कच्ची चीज़ जा चुकी है। सॉस हम पहले बनाएंगे, एक बोल में निकाल देंगे और उसको आधा आधा कर देंगे, उसको आधा करेंगे, ये याद रखिएगा। उसमें से हम आधे को फिश में लगाएंगे और आधा हम सॉस ऑन द साइड सर्व करेंगे। समझ आई? कच्ची चीज़ डली हो वो एज अ सॉस आप नहीं सर्व कर सकते हैं। प्याज चली गई, फिश सॉस चला गया, कुटी हुई लाल मिर्चें या लाल मिर्चों का आप पाउडर डाल दीजिए, स्वीट थाई चिली सॉस है, कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा, आपको पता है मैं कौन सा इस्तेमाल करती हूँ, और चिली सॉस है, ये तीखा वाला चिली सॉस भी डाला है, अदरक और लहसुन है, चॉप कर दें या बड़े पीसेस रखिए, ये वैसे भी इसमें तो जाके सब कुछ को चॉप ही होना है, ब्लेंड ही होना है, मिक्स ही होना है, ठीक है। अब ये बैजल के पत्ते हैं, ड्राई फॉर्म में हो तो कम डालिएगा। फिर ये धनिया है पिसा हुआ, ग्राउंड कोरिएंडर, ठीक है। लाल मिर्च इज़ फॉर द डेकोरेशन, ये हम रख देते हैं। लेमन जूस इसमें, यहाँ ये है। कौन सेवन सर शरीफ से कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप सुनाएं। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपका शो बहुत अच्छा है। मैं शेफ से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है जनकबा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब देंगे जी, कोकोनट फिश कढ़ाई, कोकोनट फिश बिरयानी, ठीक है, और फिश के पकौड़े, ओके, फिर फिश के सालन, ठीक है, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये है कोकोनट मिल्क पाउडर, अब इसमें पानी जाएगा एंड यू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। बहुत पतला नहीं कर दीजिएगा पहले से ही, ठीक है, थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखिएगा। इसको हमें फिश में भी लगाना है। गलैंगल एज आई सेड, अगर आपको इस्तेमाल करना है कर लीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। देखें इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है, ठीक है। एक आध पीस डाल देंगे और मिक्स कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, ये सॉस के तौर पे, ये मैरिनेशन, अब आपने इसको मैरिनेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऑब्वियसली इसको केले के पत्तों पे रखना है ना। सो जो भी चीज़ आप पका रहे हैं, और अगर आप केले के पत्तों में कर रहे हैं ना, तो उसका अपना एक टेस्ट होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ हूँ तो मैं ज़रा देख लूँ, क्रोसों अगर हो गए हों, ये भी बस जस्ट अ मिनट, एक मिनट बाद प्लीज़ याद दिला दीजिएगा, सो दैट आई डोंट फॉरगेट इट। अब इसको आप मैरिनेशन के साथ छोड़ दीजिएगा, हाँ ठीक है, रैप अप कर दीजिए इसको और आप अपने डिश में रखते जाइए।
दैट्स वेरी सिंपल, बस इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं आप। फिश के पीसेस को अच्छी तरह आप मैरिनेशन में डिबोइए इस तरह, और मैरिनेशन के साथ उठाइए और इसको आप रख दीजिए। फिर आप इसको किसी भी तरीके से रैप अप कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए तो पार्सल्स छोटे बनेंगे। अगर आपने इसको सिंज नहीं किया होता, यानी कि चूल्हे पे इसको वो नहीं किया होता, तो क्या होता, ये कभी भी फोल्ड नहीं होता उस तरह। ठीक है, ये पार्सल्स आपके मछली के रेडी हो गए। इसमें पकी हुई मछली का टेस्ट ही अलग होगा, आप फॉइल में बनाएंगे उसका टेस्ट ही अलग होगा, ये याद रखिएगा मेरी बात। मरियम है कराची से जी, हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है जी, थैंक यू, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। आप ही, आपका सवाल का जवाब देना था जी, बोले। फिश करी, फिश पकौड़ा, फिश बिरयानी, फिश कबाब, ठीक है, नोट कर दिया। आप ही मुझे गिफ्ट चाहिए, जरूर जरूर चाहिए। अच्छा जी, या मुझे नहीं पता मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए, यही वाला। मेरी बात सुने, जिसका भी लक होगा ना उसको मिलेगा ना, मैं बस चले मैं सबको दे दूं। आप देखते हैं कुरानदाजी, मैंने फर्स्ट टाइम उम्मीद से आपको जवाब दिया है। अच्छा जी, चले ना देखेंगे ना, थैंक यू। और आप ही एक सवाल करना था आपसे जी, जरूर बोले। जो ये इसका नाम के फूड पाने वाले का जो डिलीवरी बंदा ना हो तो कैसे करेंगे, वो खुद आप दे सकते हैं या नहीं? नहीं, वो जो है वो जो मैं बता रही थी उस वक्त पिछले हफ्ते, वो आपको क्या करना था, आपको वहाँ फूड पैंडा पे जाके अपने आप को होम शेफ पे रजिस्टर कराना था, ठीक है, तब होगा। डिलीवरी वाला बंदा खुद अपने पास ना हो, यानी कि कोई? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, खुद नहीं होगा आपको। नहीं नहीं नहीं, खुद नहीं होगा आपको, अपने आप को होम शेफ पे जाके कराना था रजिस्टर। वहाँ जाके पढ़िए, होम शेफ का एक होगा वो, उसको खोलिए, वहाँ उनको कांटेक्ट करिए, होम शेफ वाले आएंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू जी। ओके, आई नीड टू फोल्ड दिस ना, इसलिए मुझे बीच में हाथ धोने वो करने पड़ते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए। अब इसको मैं रख दूंगी अवन में। क्रोसां हो गए हमारे, उनको निकाल देते हैं और इसको हम अवन में रख देंगे। आप लोग लीजिए ब्रेक, जल्दी से वापस आइए। जी वेलकम बैक। मैं ज़रा यहाँ एक छोटी सी ब्रेक खुद भी ले रही थी, आई वॉज रीडिंग आउट मैसेजेस ऑन माई फ़ोन। तो हमारे जो एक रेगुलर कॉलर हैं और रेगुलर चीज़ें ट्राई करते हैं, वो पूछ रहे थे कि कौन से पत्ते, केले के पत्ते हैं जनाब, केले के पत्ते हैं, और कौन से पत्ते हो सकते हैं, सोचे तो ज़रा। मिनी छोटे चॉकलेट वाले, इजी वाले, पफ पेस्ट्री वाले क्रोसॉन रेडी हैं, ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार है। ये नहीं बताऊँगी मैं कितने खा चुकी हूँ ब्रेक में, ठीक है। और ये जो सॉस हमने अलग से रखा था, दिस गोज़ विद द फिश, अगर किसी को फिश के ऊपर डाल के खाना है तो उसके लिए ये है। प्रॉन्स को भी कर सकते हैं इसी तरह। मैं सॉस यहाँ रख देती हूँ, एंड देन व्हेन द फिश कम्स आउट वो हम, अच्छा मैं रिपीट कर दूँगी कि मैंने फ़िश में क्या क्या, मसाले में क्या क्या चीज़ें डाली थी, ताकि अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो। मायरा कराची से, शुमाइला उनसे बात करते हैं जी। हेलो, हेलो, कैसी है जीरा साहब? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आप सुनाएं। ओ जी, मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों ये कि मेरा आज आपसे काफ़ी टाइम से बात, प्रोग्राम में कॉल लगी, मैं बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन कॉल ही नहीं लगती। चले ना, आपकी तरह सब चाहने वाले कॉल करते रहते हैं तो कहाँ से कॉल लगेगी ना फिर। चाहने वाले भी खैर बहुत हैं। आपके सवाल का जवाब दूंगी जी। आपने फिश रोस्ट बनाया था, फिश करी बनाई थी, फिश बर्गर बनाया था, फिश, और आप ये पहले भी बना चुकी हैं, ये केले वाला मैंने याद है, ये डिफरेंस था, आपने वो मैंने, हाँ वो मैंने हरी मछली, वो मैंने हरी कोकोनट फिश बनाई थी, हाँ हाँ हाँ, हरा मसाला का किया था ना, फिश पकौड़े बनाए थे, ठीक है, ओके। और एक पता नहीं मुझे नाम मेरा समझ में नहीं आता, रिच हेडू थैंक यू, आपने कुछ अच्छी रेसिपी बनाती है, सारी की सारी
थैंक यू, आप ट्राई करिएगा, ठीक है? थैंक यू जी. देखिए ये जो क्रोसों का था, मैंने आपको पहले ही बताया, ये सिंपल चीटिंग वाला मेथड है. अगर आपके पास घर में पफ पेस्ट्री है तो झटपट आप कुछ भी उससे बना सकते हैं, ठीक है? पफ पेस्ट्री को आप बेल लीजिएगा स्क्वायर, और मैंने उसको बीच में से आधा कर दिया था, रेक्टेंगल बना दिया था, और फिर मैंने उसमें थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाले, रोल कर दिया उसको, मगर पहले ट्राइंगल में आपने काटना है, फिर उसके ऊपर आपने अंडा लगाया और आपने उसको बेक कर दिया. 180 से 200 डिग्रीज तक आप बेक करिएगा प्लीज़, और उसको 5 से 10 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करिएगा. तो ये हो गया. कितना आसान है ना, अगर आपको बनाना है, इसको चीज़ के साथ करना है, चिकन की फिलिंग करनी है, कुछ भी डालना है बीच में. ओके, नाउ केले के पत्ते लिए थे, धोए थे, सुखाए थे, फिर चूल्हे पे उनको सिंज कर दिया था. बहुत देर तक नहीं कर दीजिएगा, वो जल जाएंगे. वो इसलिए है कि वो प्लायबल हो, नरम हो जाएं. और फिर मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, अदरक का एक टुकड़ा लिया था, या गलैंगल आपको मिल जाए आपके शहर में, जो थाए अदरक होती है वो, ठीक है, वो आपने थोड़ी सी डाल दी, एक अदर टुकड़ा. फिर मैंने बैजल के पत्ते, यानी तुलसी के पत्ते लीजिएगा, नहीं हो तो सूखी हुई बैजल मैंने ली थी. फिश सॉस लिया था आधा टिन, कोकोनट मिल्क का लीजिएगा, कोकोनट मिल्क का टिन नहीं है तो कोकोनट मिल्क पाउडर सैशे में मिलता है, वो सैशे खाली कर दीजिएगा एक इसी ब्लेंडर में. 2-3 कैफिर लाइम लीव्स लीजिएगा. ये थाए खानों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पता होगा कहाँ कहाँ चीज़ें मिलती हैं, और थाए वेजिटेबल्स जहाँ बिकती हैं, ठीक है, एम्प्रेस मार्केट में भी मिलती हैं, और मैं डिफेंस क्लिफ्टन के भी जो हमारे हैं सब्ज़ी वाले, उनके पास भी सारा कुछ है. लाल वाली मिर्चें थी, उनको आप चॉप कर दीजिएगा, वो डाल दीजिएगा. लाल मिर्चों का पाउडर था, थाई स्वीट चिली सॉस था और चिली सॉस था. सब कुछ आपने वो मैरिनेशन में भी, मछली में गया, आपको उसको मैरिनेट करके, आधा किलो मछली के फिले थे. बड़ी मछली भी आप पूरी कर सकते हैं, साबुत मछली के साथ कर सकते हैं, किसी भी फिश के साथ करिए. मुझे फिले मछली पसंद है, मेरे घर में फिले ही खाई जाती है, तो मैं फिले ही लेती हूँ. और फिले को अपने लगा के थोड़ी देर छोड़ देना है फ्रिज में आधा घंटा. जो मैरिनेट, जो ये सॉस होगा उसको अलग पहले से ही कर दीजिएगा, जैसे ही ब्लेंड हो. अब इस सॉस को आप ऊपर डाल के खाइए, इस सॉस को आप झींगों में डाल के खाइए, बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं, और फिर हम फिश को भी अवन में से निकाल देंगे. सो स्टे ट्यून्ड. थाई बेक्ड फिश, कोकोनट मैरिनेट सॉस के अज्जा, प्याज एक अदद, लहसुन 2 चवे, ग्लेंगल या स्लाइस अदरक 1 टुकड़ा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, तुलसी के पत्ते मुट्ठी भर, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क आधा टिन, कैफर लाइम लीव्स 2 अदद, स्लाइस लाल मिर्च 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, थाई स्वीट चिली सॉस 1 खाने का चमचा, लीमू का रस आधा लीमू का. फिश के लिए, फिश फिले आधा किलो, केले के पत्ते चंद अदद. तरकीब, कोकोनट मैरिनेट सॉस के लिए ब्लेंडर में प्याज, लहसुन, ग्लेंगल या स्लाइस अदरक, पिसा धनिया, तुलसी के पत्ते, फिश सॉस, कोकोनट मिल्क, कैफर लाइम लीव्स, स्लाइस लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, चिली सॉस, थाई स्वीट चिली सॉस और लीमू का रस डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें. फिर बोल में फिश फिले रखकर आधा मैरिनेट सॉस डालें और इसे 10 से 15 मिनट रेफ्रिजरेट कर दें. उसके बाद केले के पत्ते का छोटा चौकोर टुकड़ा चूल्हे पर जलाकर फिश फिले पर रखें, और फिश फिले केले के पत्ते के दरमियान में रखकर दोनों तरफ से फोल्ड कर लें. उसके बाद इन पैकेट्स को पायरेक्स की डिश में रखकर ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें. अब फिश निकालकर बाकी मैरिनेट सॉस डालें. आखिर में चावल, तुलसी के पत्ते और हरे धनिया के साथ सर्व करें. इजी चॉकलेट क्रोसां अज्जा. अंडा 1 अदद, पानी 1 खाने का चमचा, पफ पेस्ट्री 1 किलो, चॉकलेट चिप्स 2/3 कप. तरकीब, बोल में अंडा और पानी फेंट कर एक तरफ रखें, फिर किचन स्लैब पर मैदा छिड़क कर पफ पेस्ट्री को चौकोर बेल लें. अब इसे रेक्टेंगल की शक्ल में काटें, फिर हर रेक्टेंगल को ट्रायंगल की शक्ल दें. उसके बाद हर ट्रायंगल के दरमियान में 2 खाने के चमचे चॉकलेट चिप्स शामिल करके रोल करें. फिर हर क्रोसां को जोड़कर किनारे मोड़ दें और हिलाल की शक्ल दें. अब हर क्रोसां पर अंडा लगाकर इसे ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक कर लें. इजी चॉकलेट क्रोसां तैयार हैं. थाई बेक्ड फिश, कोकोनट मैरिनेट सॉस के अज्जा. प्याज 1 अदद, लहसुन 2 चवे, ग्लेंगल या स्लाइस अदरक 1 टुकड़ा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, तुलसी के पत्ते मुट्ठी भर, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क आधा टिन, कैफर लाइम लीव्स 2 अदद, स्लाइस लाल मिर्च 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, थाई स्वीट चिली सॉस 1 खाने का चमचा, लीमू का रस आधा लीमू का. फिश के लिए, फिश फिले आधा किलो, केले के पत्ते चंद अदद.
जी जी वेलकम बैक. फिश इज डन. इसको निकालते हैं. ठीक है. और कौन जीता है जी आज? ओ रुखसाना सेवन से. चले मुबारक हो आपको. प्लीज़ अब कंप्लेन नहीं करिएगा कि आपका नाम हम शामिल नहीं करते हैं. आपका नाम भी हम शामिल करते हैं. देखा आपने आज जीता. मैंने ये सॉस साइड में रखा एक बोल में. खाते वक्त कैसे खाएंगे? इसको खोलेंगे और खाएंगे. सिंपल एज दैट. ठीक है. फिश इज़ डन. ओके. क्रोसॉन इज़ ऑल्सो रेडी. आई होप आपने आज का शो एन्जॉय किया होगा. ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा. 9:30 बजे रात में हमारा शो रिपीट होता है. अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो तब देख लीजिएगा. और अब कल मुलाकात होगी. कल मैं बहुत ही डिफरेंट एक रेसिपी बनाऊंगी. वैसे इट्स अ लज़ानिया, लेकिन हम क्या करेंगे, कीमे का लज़ानिया बनाएंगे, लेकिन लज़ानिया के शीट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो आप देखिएगा मैं किस तरह लज़ानिया बनाऊंगी शीट्स के बगैर. ठीक है. ये ज़रूर देखिएगा कल का शो. 3:30 से 4:30 हम लाइव हैं. और कल एक और भी चीज़ थी. क्या था? एक तो ये कीटो कॉलीफ्लावर का लज़ानिया था और एक और चीज़ थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही. चॉकलेट चिप कुकीज़ या कुछ था, समथिंग लाइक दैट. सो ज़रूर देखिएगा शो. मेरे साथ रहिएगा 3:30 से 4:30 पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे हम लाइव है आपके साथ. फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का जो मसाला टीवी का पेज है उस पर सारे मेरे रेसिपीज़ सारी अपलोड हो जाती हैं. ठीक है. तो वो देखिएगा. हर महीने की अलग अलग एल्बम है. फोटोज सेक्शन में अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है. चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त. जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा. खुदा हाफिज़. मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़.